इस भागलपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि पर जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जो परिसंपत्ति पिछले बार से लगभग 300 एकड़ ज़्यादा भूमि हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एसडीओ साहब, एलआरडीसी, अंचल अधिकारी, जो रिवेन्यू से जुड़े हुए जो भी हमारे सम्मानित अधिकारी हैं, जिन्होंने कठिन परिश्रम कर और ये जो धार्मिक न्यास बोर्ड 1950 की जो न्यास बोर्ड की जो रूल ऑफ लॉ है, उसकी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है कि सेवादार कभी हकदार नहीं होगा और चाहे जितना सेवादार जिसको भी अवैध बिक्री किया है प्रॉपर्टी, वो स्वतः खारिज समझा जाएगा। तो इस काम को हमारे सम्मानित अधिकारी कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने सभी सम्मानित अधिकारियों के प्रति अपने तरफ से, अपने सरकार के तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं कि बहुत परिश्रम से और मेहनत से जो नीरस काम था उसको रस भर के इस काम को किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीना का समय दिया गया है, 2 महीना के अंदर में ये भूमि में और बढ़ोतरी होगी और ये जो भूमि है इस पर स्कूल खुलेगा, धर्मशाला बनेगा, पाठशाला बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा और सरकार के कल्याणकारी जो भी काम होंगे उसमें ये भूमि का उपयोग होगा और इष्ट देव की जो संपत्ति है उसकी संरक्षण संवर्धन होगा। और गन्ना विकास के तहत हम लोग का गन्ना का प्रशिक्षण हुआ है किसानों का और इसमें खेती के बढ़ावा देने के लिए, गुड़ खरसारी उद्योग की बढ़ावा देने के लिए इसकी भी नीति में 50% हम लोग 50,000 का अनुदान देते हैं। और जो जो गुड़ खरसारी का फैक्ट्री लगाएंगे, जो इसके काम करेंगे उनको प्रमोशन देंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। यही हम लोग का आज का ही बैठक का कार्यक्रम था।